चलिए फिर गाइस, तो अपन करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5, नाम है उसका डेप्रिसिएशन। बराबर है, क्या होता है डेप्रिसिएशन बताओ। अच्छा, एग्जाम में ये ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं। क्या वेटेड है इसका? 8 to 10 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो पहले तो ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? क्या? अच्छा, और राइट, असेट का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। तो ये बताओ, असेट का वैल्यू कम क्यों होता है? वेयर एंड टेयर की वजह से, मतलब आप उसको यूज करते हो, जैसे आप उसको यूज करोगे तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है धीरे-धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ये फर्नीचर है, एक नया फर्नीचर होता है, और जब अब तुम इसके ऊपर बैठ चुके, तो सब लोगों ने अपनी वो बता ना पेंटिंग सबने दिखाई है, देखो इसकी हालत देखो बेचारे की, बराबर ना? तो आप देख लो, और कहीं से टूट गया है, ठीक है, कहीं से सरमाइका निकल गई है, कहीं से पता नहीं कुछ क्या क्या लिख रहे हैं तुम लोग, बराबर ना, कहीं कुछ चिपकाया हुआ है, तो ये सब जो है। अब बताओ, कोई बंदा आएगा तो क्या वो नया लेना पसंद करेगा या ये पुराना लेना पसंद करेगा? नया, क्योंकि अब उसकी हालत ऐसी रही नहीं जैसे आपने लिया था, तो आपने इसको यूज किया है डेफिनेटली, एक तो ये रीजन हो गया। अच्छा, अगर मैं किसी ऐसे को यूज नहीं करता है तो भी क्या उसकी वैल्यू कम हो सकती है? सोच के बताओ, मैंने असेट को यूज ही नहीं किया, पैक का पैक रखा है, तो भी क्या उसकी वैल्यू कम हो सकती है? होती है। कैसे? ट्रेंड चेंज हो जाता है। जैसे मान लो, मैंने अगर मैं बोलूं 6600 का मोबाइल जो कीपैड वाला होता था वो ले रखा था, उसको मैंने बॉक्स खोला ही नहीं अभी तक, ऐसा ऐसा पड़ा है, तो क्या आज भी मुझे उसका उतना पैसा मिल जाएगा? क्यों? क्यों? मैंने तो उसको यूज भी नहीं किया है। पर सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अभी कोई भी इंसान कीपैड वाला फोन लेना चाहेगा नहीं। इसलिए मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ी थी, ऐसा पैक का पैक, तो क्या आज भी उसका उतना पैसा मिल जाएगा जितना लिया होगा? नहीं सर, यूज नहीं किया तो भी हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो गई? चेंज हो गई। ट्रेंड जो है वो तुम्हारा चेंज हो गया। बॉल बॉटम जींस पड़े थे, क्या उसका वैल्यू इतना ही आज का मिल जाएगा? नहीं, कोई लेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे घर पे बहुत सारे पड़े लेके आता हूँ, ठीक है, तू पहन लेना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। और किसकी वजह से मतलब हो सकता है बताओ? असल के वैल्यू इसके अलावा किसकी वजह से कम हो सकता है? खराब हो जाती है, वेरी गुड, खराब हो जाए तो हो जाता है। और बताइए आप लोग। बताओ, पुराना भी हो जाता है, मतलब टाइम के हिसाब से, बराबर ना? कई बार क्या होता है कि चीज़ों की टाइम के हिसाब से भी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। क्या अरे, ये तो जैसे आप मोबाइल लेके आ गए, अब एक तो मोबाइल पैक होता है और एक तो मैं 2 दिन यूज़ किया है, अब 2 दिन यूज़ में कोई उसका ख़राब थोड़ी हुआ है वो, समझ में आया कि नहीं आया? पर वो 2 दिन भी उसकी वैल्यू क्या कर लेते हैं? डाउन, कि आपने क्या किया, इसको यूज़ किया ना, बात खत्म हो गई, पैक खोल दिया आपने उसको। तो इस तरह से कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, मतलब उसकी असर की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। कई बार मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है, क्या हो जाती है? तो आप लेके आ गए आईफोन 14 ले लिया आपने, लाए 5 दिन हुए, पैक का पैक रखा, खोला भी नहीं है, पर आईफोन 15 आ गया, तो फर्स्ट से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है कई बार से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रीजन होते हैं जो बोलते हैं कि असेट जितने में आपने लिए था उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर एक असेट है, एक फिक्स असेट ऐसी है जिसका वैल्यू कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ, लैंड या बिल्डिंग? कि बिल्डिंग, बिल्डिंग होता कि नहीं होता है? बिल्डिंग का वैल्यू कम होता है, बिल्डिंग का वैल्यू कम होता है, लैंड का वैल्यू बढ़ता है। तो सर बोलते हो, अरे सर फ्लैट का प्राइस तो बढ़ जाता है इतने साल में, सही बात है, वो फ्लैट का नहीं बढ़ता एक्चुअली में, वो जगह का बढ़ता है। समझ में आएंगे ना यार? तो बिल्डिंग अगर मान लो आपको जगह आपके नाम पे नहीं, आपके नाम पे सिर्फ बिल्डिंग है, तो वो तो खराब ही हो जाएगी, टूट जाएगी धीरे टाइम, 10-20 साल 30 साल में, तो वो बिल्डिंग का वैल्यू नहीं होता, वो जगह का वैल्यू होता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एक लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, बिकॉज उसका वैल्यू कभी कम होता, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अभी ये जो डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, ये हमेशा हम बात करेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट की। किसी बात करेंगे tangible. अब टेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसी एसेट जिसको हमने रखा है हेल्ड फॉर द यूज इन, या तो आपने उसको बिजनेस में यूज करने के लिए रखा है, ठीक है, प्रोडक्शन में यूज करने के लिए रखा है, या आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस दे रहे हो उसमें यूज करने को रखा है, ठीक है, या फिर आप कोई एडमिन पर्पस के लिए आपने रखा है। तो इस तरह से आपने क्या किया है, अपने उस असेट को रखा है या तो प्रोडक्शन में या सप्लाई ऑफ गुड्स में या सर्विस देने में या एडमिन पर्पस के लिए रखा है, और उसकी लाइफ होनी चाहिए मोर देन 12 मंथ। कितनी होनी चाहिए? अगर कोई असेट है जिसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ नहीं है तो कभी वो फिक्स असेट बनी नहीं सकती। फिक्स असेट के लिए सबसे पहली चीज क्या, उसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए? मोर देन 12 मंथ। कितनी होनी चाहिए? बोलिए, क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कपड़ा है, तो देखा जाए तो ये भी टेंजिबल है, ये भी हमारे सर्विस में काम आ रहा है, प्रोडक्शन में काम आ रहा है, ठीक है, तो क्या ये कपड़ा फिक्स असेट बनेगा? नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, अच्छा, जो डेप्रिसिएशन होता है वो लगता है हमेशा टेंजिबल असेट पे। किस पे लगता है? और इनटेंजिबल का होता है अमोर्टाइजेशन। क्या होता है? ठीक है, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल असेट पे, उसके ऊपर जो AS है वो AS 10 होता है, PPE प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। तो डेप्रिसिएशन भी इसके ऊपर ही लगता है। पहले इसके ऊपर अलग से AS था, AS 6, जैसे लॉ में सेक्शन होती है वैसे अकाउंट्स में AS होता है, तो इसके ऊपर पहले अलग से AS था, AS 6, और फिर AS 10 था प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का। फिर उनको समझ में आया कि अरे यार ये जो डेप्रिसिएशन है वो तो इनके ऊपर तो लगता है, तो बच्चों को दो दो अलग अलग क्यों पढ़ाने का, तो इसने बोला इधर को हटाओ और इधर लेके आ जाओ, तो फिर इधर लेके आ गए। तो अब बताओ डेप्रिसिएशन के ऊपर कौन सा AS एप्लीकेबल होता है? AS 10 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो एग्जाम में ट्रू फॉल्स में आया कि डेप्रिसिएशन के ऊपर AS 11 एप्लीकेबल होता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, AS 10 होता है। ठीक है, वो ध्यान में रखना। चलिए, अब ये आपने समझ लिया डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, कौन सा AS होता है इसके ऊपर। अब आगे बढ़ रहे अपन, ठीक है, देखो क्या दे रखा है। एज पर द शेड्यूल 2 अंडर द कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन असेट इज द कॉस्ट ऑफ एन असेट और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट इज द पीरियड ओवर विच एन असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर द यूज बाय एन एंटिटी और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द असेट बाय द एंटिटी। तो ये लंबा छोड़ा दे रखा डेफिनेशन, हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लिया। क्या ये तुमको समझ में आया? अब मुझे बताइए डेप्रिसिएशन कब से लगाना शुरू करना चाहिए, क्या लगता है? जिस दिन असेट आपने खरीदा उस दिन से, कि जिस दिन आपके पास अवेलेबल फॉर यूज थी उस दिन से, या जिस दिन आपने यूज किया उस दिन से? चलो मैं कुछ डेट बोलता हूं, ठीक है। मान लो मैंने एक मशीन परचेज की 1 अप्रैल से, कब से परचेज की? बट वो मशीन का सब असेंबल इधर उधर पार्ट थे, तो मैंने 1 मई को अगले महीने तक उसका सब असेंबल किया, टाइम लगा उसको, 1 मई को असेंबल हो गई, बट मैंने उसका यूज किया 1 जून से। अब बताओ डेप्रिसिएशन तुम्हारे हिसाब से कब से लगेगा, 1 अप्रैल, 1 मई या 1 जून? कितने लोगों को लगता है 1 अप्रैल? 1 अप्रैल, एक भी नहीं, तो खरीदा तो मैंने 1 अप्रैल को था, ठीक है। कितने लोगों को लगता है 1 मई? ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कितने लोगों को लगता है 1 जून? तो हाँ, एक। तो बाकी लोग क्या लग रहा है, खुशी क्या लग रहा है तुझे? तो बोलना चाहिए ना, क्या लग रहा है? 1 मई। अच्छा देखो, आपको हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जिस दिन असेट तुम्हारी अवेलेबल फॉर यूज थी। क्या थी? जिस दिन असेट तुम्हारी, ठीक है, देखो अगर आपने खरीदा है और उसी दिन तुम अवेलेबल फॉर यूज थी तो उसी दिन से होगा। बट अगर आपने असेट खरीदा बट अवेलेबल फॉर यूज कुछ दिन के बाद में है, तो सीधी सी बात है, जब तक मैं उसको यूज नहीं कर सकता, मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं तभी से चार्ज करेगा जब दिन वो अवेलेबल फॉर यूज थी। बट अगर आपने यूज बाद में की है, दिवाली का दिन आया, अच्छे दिन पे करेंगे, तो उस तरह फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको हमेशा असेट को यूज करना जिस दिन वो अवेलेबल फॉर द यूज थी, ठीक है। चलिए अब अपने को ये पढ़ना है डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना, ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके, एक डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना रहता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द
चार्जिंग डेप्रिसिएशन, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, बताओ क्यों डेप्रिसिएशन को चार्ज करना चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू पता करने के लिए। शाबाश, चलिए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखो अभी मान लेते हैं कि एक लड़का है, ठीक है, वो बस 12वीं पास है। कितना पास है? ठीक है, अभी उसको क्या करने का है, मैं एक डेटा एंट्री करने का काम दे रहा है कि भाई तू डेटा एंट्री करना, ठीक है। उसके लिए उसको एक पीसी चाहिए। क्या चाहिए उसको? एक पीसी चाहिए, ठीक है। तो ये पीसी इसके पास आ गया। ये पीसी जो है ना, ये मिलता है 30,000 रुपये का। कितने का मिलता है? 30,000 रुपीज़ का पीसी मिलेगा। अब मैंने क्या बोला कि तुझे 3 साल काम करना है, 1, 2 एंड 3। इस पीसी में तो एंट्री मारना बस, और कुछ नहीं कर, घर पे बैठ पीसी में एंट्री मार और कुछ मत कर, तेरा खर्चा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो इस बंदे ने एंट्री मारना शुरू किया, पहले साल में मैंने उसको पैसा दिया, मैंने उसको एंट्री मारने का पैसा दिया 10,000 रुपये। कितना दिया? 10,000। दूसरे साल पर भी मैंने इसको 10,000 रुपये दिया, और तीसरे साल मैंने इसको 8,000 रुपये दिया। टोटल मिला के मैंने इसको 28,000 रुपये दे दिया। कितना दे दिया? 28,000 रुपये। क्या ये तुमको समझ में आया? तो 3 साल में कितना पैसा दिया इसको? 28,000 रुपये दे दिया। घर पे बैठा बैठा बस 28,000 रुपये कमा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या ये काम उसके लिए सही है? क्या उसने मजा आया, उसने सही इनकम कमाया है कि गलत कमाया है? क्यों? क्या बाकी सब कोई खर्चा हुआ ही नहीं है? मतलब इसको सिर्फ पैसा ही आया है, कोई खर्चा, लाइट बिल वाइट बिल नहीं है, सब फ्री है। वो खरीदेगा ना, मैं क्यों खरीदूंगा? पर मेरे हाथ, उसके हाथ में 28,000 रुपए दिया है मैंने, 28,000 रुपए। समझो कोई काम कर रहा है उसको मैं 10,000, 10,000, 8,000 दे रहा हूँ, 28,000 दे रहा हूँ, सही है ना? क्या सही नहीं है? तो अभी आपने सही पकड़ा है। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि 10,000 आया हाथ में, 10,000 आया और 8,000 आया, तो 28,000 आ गया, तो तुम खुश हो गए, अरे सर क्या बात है, 28,000 रुपये इसके हाथ में आ गए। हाँ, बट 3 साल के बाद जो पीसी उसने खरीदा था, क्या कुछ काम करेगा? सोचो देखो, आज के इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइफ कितनी कम हो गई है। तो 3 साल के बाद पीसी कुछ काम का? हमने लैपटॉप लिया था, 1.5 साल में उसकी हालत खराब हो गई, 2 साल में, तो पीसी तो 3 साल मान लेते हैं। क्या 3 साल के बाद इसका वैल्यू 30,000 बचेगा? आंसर इज नो। तो अगर आप सिर्फ इनकम कंसीडर करते हो और एक्सपेंस कंसीडर करते हो, बट इसका वैल्यू कंसीडर नहीं करते हो, तो क्या आप कभी भी करेक्ट इनकम निकाल सकते हो बंदे की? नहीं, नॉट पॉसिबल। जब हम पढ़ाते हैं, तुम बोलते हो अरे वाह सर, आप तो बहुत पैसा चाप रहे हो सी, अब मैं क्या बात है सर, इतना आप क्या करते हो, ऐसे काउंट करते हो कि 50 बच्चे, 100 बच्चे, 100 बच्चे इंटू 1,00,000 का फीस, और सर के पास इतना पैसा आ गया, इसमें से फैकल्टी कॉस्ट ये माइनस किया बस, और लाइट बिल और नोट्स का इतना, ये बचा हुआ सर का प्रॉफिट। पर तुम एक चीज़ भूल जाते हो, जब हम बिजनेस चलाते हैं तो हम बहुत सारे एसेट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, ये एसी यूज़ कर रहे हैं, ये टीवी, लैपटॉप ये भी यूज़ कर रहे हैं, वो कैमरा यूज़ कर रहे हैं। क्या आज से 3-4 साल के बाद इसकी कोई वैल्यू बचेगी? ऑलमोस्ट न के बराबर बचेगी। मतलब अगर मैं बुलाऊँ किसी को और मैं बोलूँ ये फर्नीचर पुराना है, तो इसका मुश्किल से 10,000 रुपये देगा सारे फर्नीचर का, जबकि हमने बनाया होगा 1.5 लाख में। समझ में आया कि नहीं आया? आज एक बेंच 10,000 में बनती है। और जैसे ये टीवी है, तो मान लो ये टीवी हमने 70,000 में लिया, बट आज से 5-3 साल, 4 साल के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 15-20,000 रुपये। कितना हो जाएगा? इससे जैसे कैमरा है, ये लैपटॉप है, इनका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? बस 8-10,000 रुपये। तो मैं बोलूँ तो मैंने इनमें सब में 5 लाख रुपये डाला है। कितना डाला है? ठीक है, ए सी हो गया, ये सब हो गया, 5 लाख रुपये हमने डाला। बट जब ये 5 साल के बाद की मैं वैल्यू बताऊँ, तो 5 लाख का 50,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 50,000। तुम जब सर की इनकम काउंट कर रहे थे, तो तुमने ये 4.5 लाख को तो इंद्रो मारा ना, इधर तुमने कभी काउंट किया ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, तो आप कभी भी करेक्ट इनकम निकाल सकते नहीं हो। ये पहली चीज है। दूसरा, ट्रू पोजीशन ऑफ द स्टेटमेंट। अब बताओ, जब मैंने फर्नीचर वर्नीचर परचेस किया, तो मैं 5 लाख पे दिखाया होगा। अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता हूं, तो 5 लाख का 5 लाख दिखेगा, तो अगले साल भी 5 लाख, अगले साल भी 5 लाख, अगले साल भी 5 लाख। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी बैलेंस शीट में एक कार है, मारुति 800, और वो हमने ली थी मान लो 10 लाख रुपए में। अभी तक हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, आज 20 साल हो गया,
तो आज भी अगर मेरी बैलेंस में वो कार दिखती है तो 20 लाख भी दिखेगी, 10 लाख भी दिखेगी, तुम क्या बोलो क्या बात है सर, 10 लाख की कार, 10 लाख की कार कितना पैसा है, अभी देखा उसको तो सर 5,000 भी नहीं आएंगे उसके। तो क्या आपकी वो ट्रू पोजिशन बता सकता है? नहीं। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो आपकी ट्रू पोजिशन पता चलेगी? नहीं। ये समझ में आया तुमको? थर्ड वाला, अच्छा थर्ड वाले से पहले फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं। असर्टेनमेंट ऑफ द ट्रू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। समझो, मैंने एक मशीन ली है, क्या लिया मैंने, एक मान लो 1,00,000 रुपए में, ठीक है, इसका मैं यूज 1 साल तक कर सकता है। अब मैं मशीन से ये मान लो पेन बनाएगा, तो पेन बनाने के लिए मेरा जो डायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल लगेगा वो 10 रुपए लगेगा, ठीक है, लेबर जो बनाएगा उसको 5 रुपए देना पड़ेगा, और लाइट बिल वगैरह के जो मेरे खर्चे होंगे जिसे ओवरहेड बोलते हैं वो 3 रुपए आ जाएंगे। तो चलो मुझे सिर्फ 18 रुपए में ये बना के हो जाएगा, क्या ये सही होगा बताओ? मतलब मैं बोलो 18 रुपए में बन रही है, क्या लॉजिकली 18 रुपए में बन रही है कि थोड़ी और महंगी बढ़ रही है? क्यों? 1 साल के बाद ये मशीन कुछ काम की नहीं रहेगी ना, तो वो भी तो नुकसान हुआ। क्या बोला, समझ में आया? तो अगर मान लो 18 रुपए मैंने डिसाइड किया कि कॉस्ट 18 रुपए है, सामने वाला बंदा आया सर मैं 19 रुपए आपको दे दूंगा, 1 रुपया आप कमा लेना पर के ऊपर, और आपसे 1 साल काम कराऊंगा मैं बस, और 1 साल में 1 लाख यूनिट निकालूंगा, तो आपको 1,00,000 रुपये मैं दे दूंगा। मैं बोला सही बात है, दे बढ़िया दे दे, पर जैसे मेरा 1 साल खत्म होगा क्या मेरी मशीन कुछ काम की रहेगी? तो जब आप कॉस्ट निकाल लेते तो आपने कॉस्ट में डेप्रिसिएशन तो डाला ही नहीं, तो क्या ट्रू कॉस्ट आ पाएगी? कभी भी नहीं आ पाएगी, ये भी तो गड़बड़ हो गई। अभी जो इसका सबसे मेन मोटिव है, आप बोलेंगे जो सबसे रियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, वो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। क्या होता है? ठीक है, अब क्या होगा वो समझिए। ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, इधर मैंने कोई फिक्स असेट परचेस किया, मान लो 100 रुपए का, कितने का परचेस किया? 100 रुपए का, अंडरस्टूड? अभी और ये मैंने बिजनेस में पैसा डाला, कैपिटल 100 रुपए का, मैंने आज बिजनेस शुरू किया, आज 100 रुपए डाला मैंने जेब से डाला, बिजनेस में एक फिक्स असेट परचेस किया 100 रुपए का। अब मैंने पूरे साल में बेटा 100 रुपए का इनकम किया, ध्यान से सुनना, और मेरा खर्चा हुआ 70 रुपए का, तो मैंने कितना कमाया? 30 रुपीज। 100 रुपए का माल बेचा, 70 का माल खरीदा, 100 का बेच दिया, तो 30 रुपए मैंने कमाए, तो ये 30 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 30 रुपए इधर ऐड हो गए। अब जबकि मैं देखूंगा 30 रुपए मैंने कमाए, तो मेरे जो शेयर होल्डर है वो क्या बोलेंगे, सर डिविडेंड लाओ ना, पैसा कमाया आपने तो बांटो, खर्च करो। मैं बोला ठीक है, जो कमाए उतना खर्च कर सकते हैं। तो देखो ये 30 रुपए मेरे पास कैश में आ गए, इस तरह से मेरी बैलेंस शीट थी। मैंने बोला ठीक है चलो तुमको डिविडेंड बांट देते हैं, खर्चा कर लेते हैं। तो ये देखो मेरा ड्रॉइंग या डिविडेंड जो भी तुम बोलो मैंने बांट लिया, 30 चला गया। तो 1 साल के बाद मेरी पोजीशन क्या होगी, फिर से यही हुई कि नहीं हुई? चलिए दूसरे साल भी सेम मैंने किया तो सेम चीज़ कमाया, तीसरे साल भी मैंने सेम किया सेम कमाया, समझ में आया? तो मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो खर्च करते जा रहा हूँ, पैसा कमाया मैं बांट रहा हूँ, पैसा कमाया शेयर होल्डर को बांट रहा हूँ या ड्रॉइंग कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ 5 साल ऐसे से मैंने 5 साल किया, क्या किया? अब मान लेते ये मशीन की लाइफ 5 साल ही थी, अब 5 साल बाद ये खत्म हो गई तो नई मशीन खरीदनी पड़ेगी बिजनेस चलाने के लिए, पैसे कहाँ से लाऊंगे? सारा पैसा तुमने खर्च कर लिया, समझ में आया? अब मैं तुमको बताता हूँ, अब अगर मान लो मैं इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करता, क्या चार्ज करता? तो मान लो मैं बोलता हूँ 100 रुपए की मशीन है, इसकी लाइफ है 5 साल, तो हर साल का मैं 20 रुपए का डेप्रिसिएशन भी मान लेता हूँ ऐसा, तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना आया बेटा? 10। तो मेरा प्रॉफिट तो 10 आया है, बट क्या रियल में डेप्रिसिएशन का पैसा मेरी जेब से गया है? तो जब डेप्रिसिएशन का पैसा मेरी जेब से नहीं गया मतलब वो बिजनेस में पड़ा है। तो अब देखो अब क्या होगा, यहां पे देखिए 100 रुपए था, 100 रुपए था, मैंने यहां पे 30 रुपए कमाए, कितने कमाए? 30 रुपए, समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने यहां पे नेट प्रॉफिट ऐड किया 10 रुपए, कितना ऐड किया? 10 रुपए। अब कल उठ के अगर मुझे डिविडेंड बांटना रहेगा तो मैं उतना ही बांट सकता हूं जितने बार मेरे पास प्रॉफिट है, तो मैं कितना डिविडेंड बांट सकता है? 10 रुपए। तो चलो मैंने डिविडेंड 10 का बांट लिया तो ये 10 रुपए चला गया, तो बताओ मेरे बिजनेस से 20 रुपए बचेगा कि नहीं बचेगा? तो रियल में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन का पैसा तो कभी कैश में जाता, जब कैश में नहीं गया तो तुम्हारे पास में पड़ा है पर तुमने खर्चे में ले लिया, तो उससे क्या हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम हो गया
बट वो पैसा गया नहीं, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट कम हो गया बट पैसा गया नहीं। तो कल उनकी डिविडेंड बांटना रहेगा, तो जितना प्रॉफिट उतना ही बांट सकते हैं, तो क्या डेप्रिसिएशन वाला पैसा कभी बांट सकेंगे डिविडेंड में? नहीं, उतना पैसा ब्लॉक हो गया, तो आपका 20 रुपए ब्लॉक हो गया फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में भी कितना होगा सेम रूल के हिसाब से 20, थर्ड ईयर में भी कितना होगा 20, फोर्थ ईयर में भी कितना होगा 20, और फिफ्थ ईयर में कितना होगा 20। कितना पैसा बढ़ जाएगा तुम्हारे पास में? 100 रुपया। अब 5 साल के बाद जब रिप्लेस करना है तो आराम से कर सकते हैं। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई देखो, हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, हमने क्लासेस चला रहे, हमने 10 लाख की असेट परचेस कर ली, कैमरा मोबाइल ये सब परचेस कर लिया। अब हम क्लास की फीस लेंगे, खर्चे निकालेंगे, जो प्रॉफिट आएगा मैं दर्शन सर बांट लेंगे। दर्शन सर भी बांट लिया, मैंने भी बांट लिया अपना अपना पैसा, तो हम दोनों जो भी कमाया सब बांट लिया। तो अगर ऐसे बांटते जाएंगे तो जो 5 साल खत्म होंगे तब ये नई असेट लेनी होगी तो पैसा कहाँ से लाएंगे? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमने कमाया उसमें जो खर्चा किया और डेप्रिसिएशन का खर्चा भी ले लिया। अब जब डेप्रिसिएशन का खर्चा लिया तो क्या वो रियल में पैसा गया है? तो क्या हम पूरा पैसा बांट पाएंगे कि डेप्रिसिएशन को छोड़ के बांटना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को छोड़ के जो प्रॉफिट होगा उसमें डेप्रिसिएशन हो जाएगा माइनस, तो अब जो बचेगा उस पर बांटेंगे, तो उतना पैसा जो हमने बांटा नहीं है वो बिजनेस के अंदर ही है कि नहीं है? तो अब ये पैसा इकट्ठा होता शुरू हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और 5 साल में हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम नया असेट आराम से ले सकते हैं। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फंड। क्या बोलते हैं इसको? बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो इस तरह से 4 जो है ना ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। उसके बाद हाँ, अभी अपने पास में अलग चीज़ें पढ़नी है अपने को, अलग डेप्रिसिएशन की मेथड होगी, बट उससे पहले कुछ चीज़ें कुछ वर्ड्स जानना जरूरी है, और उसमें से सबसे पहला वर्ड है कॉस्ट ऑफ द असेट। फिक्स असेट को अभी प्यार से क्या बोलते हैं? पीपी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। आगे मैं बार बार एक वर्ड यूज करूंगा, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कॉस्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कॉस्ट में लेना है आपको परचेज प्राइस। क्या लेना है? परचेज प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस, और इसे प्यार से सिंपल वर्ड में बोलूंगा एमआरपी। ठीक है, मतलब वो जो उसकी एमआरपी है, बट कई बार हमको डिस्काउंट मिलता है बराबर ना, तो गुड्स लेते टाइम पे जो डिस्काउंट मिला उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो वो आपको उसी वक्त उसमें से माइनस कर लेना है। तो मान लो जैसे ये सैमसंग का टैब है हमारे पास में, ये 1 लाख रुपए का है, कितने का है? इसकी एमआरपी 1 लाख है, बट हमने जब देखा तो ऑफर में हमको 60,000 का ऑफ मिल रहा था। सो जब मैंने इसको लिया तो मुझे कितने में पड़ा? 40,000 में। तो मेरा जो यहाँ पे वैल्यू होगा 1 लाख में से 60 माइनस कर लो, कितना बच गया? 40,000, ये आ गया। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, अब इसे बोलते हैं नेट परचेज प्राइस। अब इसमें ऐड करना है टैक्सेस, जो टैक्स लेने में लगे वो ऐड करना है, बट टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिफंडेबल और एक होता है नॉन रिफंडेबल। आपको हमेशा ऐड करना है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो यू हैव 2 टाइप ऑफ टैक्सेस, पहले होता है रिफंडेबल, दूसरे कौन सा होता है? रिफंडेबल मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो जो आपने अभी पे किया टैक्स उतना कम करना पड़ेगा, और ये नॉर्मली होता है बिजनेसमैन के लिए। किसके लिए होता है? और जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर होता है, फॉर एग्जांपल जीएसटी। तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो तो आप क्या करोगे, जब भी आपने टैक्स पे किया होगा तो जब आप बाद में टैक्स पे करने को आएगा तो आप उसमें से उतना टैक्स माइनस करोगे, बचा वो गवर्नमेंट को पे करोगे। तो क्या ये टैक्स तुम्हारी जेब से गया? नहीं। तो जब हमारी जेब से गया ही नहीं है तो अपने को कॉस्ट लगा ही नहीं है, और जब लगा ही नहीं तो मुझे ऐड करना ही नहीं है। बट मैंने मान लो कोई कस्टम ड्यूटी पे किया, अब वो कभी रिफंड होने वाली? वो लग गई। जैसे तुम डीमार्ट में गए, 100 रुपये का सामान लिया, फिर उसने 10 रुपये टैक्स ऐड किया, तुमको दे दिया बिल 110 का, क्या ये पैसा तुमको कभी वापस मिलने वाला है? आंसर इज नो। तो तुमको दुख किस बात होगा, जो रिफंडेबल होगा कि जो नॉन रिफंडेबल होगा? सोच रही हो, दुख किस चीज़ का होता है? दुख किसका होगा? दुख नॉन रिफंडेबल का। तो जब दुख नॉन रिफंडेबल का होगा तो ऐड भी क्या होगा? नॉन रिफंडेबल। बोली समझ में आया? तो अगर रिफंडेबल है तो वो मत करना, नॉन रिफंडेबल तो वो ऐड करना। इसके अलावा अगर आपने उसको लाने में कोई खर्चा किया, फॉर एग्जांपल तुमने फ्रेट पे किया है,
आपने कोई फ्रेट पे किया, मान लो कि आपने कोई मशीन ली है और वो मशीन चर्चगढ़ के पोर्ट पे पड़ी है, ठीक है, और वहाँ से यहाँ पे अपने को भाईंदे में लेके आने का है, तो ट्रक के थ्रू लेके आएंगे, तो ट्रक वाले को पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी इस कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड। इसके अलावा कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा किया है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे एसी लिया हमने, अब ये एसी था मान लो 40,000 का, तो हम खुश हो गया, अरे 40 में मिल रहा है। फिर अब बंदा आया बोला सर इसको इंस्टॉल करने लगे तो खड्डा करना पड़ेगा, ये पाइप आएगा, ये नली आएगी, सबका मिला के 2,000 रुपया। अब बताओ क्या हम 40 बोलेंगे 42 बोलेंगे, ऐड किया कि नहीं किया, तो वो इंस्टॉलेशन खर्चा इसमें ऐड करने का है। इसके अलावा कई बार क्या होता है पता है, कुछ बड़ी बड़ी मशीनें आती है, तो मान लो कोई बड़ी मशीन आ गई, ठीक है, और वो बड़ी मशीन बहुत बड़ी थी, तो उसको लगाने के लिए हमको साइट प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे मान लो वो मशीन हम यहाँ पे रखेंगे तो वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेट होगी तो नीचे वाले आ जाएंगे, अरे सब भूकंप आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो जब नीचे वाले ऊपर आएंगे तो अपने को इनको डराने का नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब ऐसा ढांचा बनाएंगे अपन, और उसके ऊपर मशीन को रखेंगे। अब वो वाइब्रेट होगी तो नीचे वाला नहीं आएगा, तो ये भी मशीन को यूज़ करने से पहले का खर्चा है, ये भी इसी कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आया तुमको समझ में? अब मान लो मैं तो मशीन लेके आ गया बड़ी वाली, उसमें बहुत सारे वायरिंग होते हैं, तो वायरिंग के खर्चे तुमने किए कि भाई इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तुम्हारी औकात थी नहीं कि वायर हाथ में डालो, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने वो बोर्ड वोर्ड लगाया, वायर वायर फिट किया, सब किया, वो 10,000 रुपये लेके चला गया, तो क्या ये भी असली कॉस्ट में होगा? हाँ। इसका मतलब एक बार असेट को यूज़ करने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो सब खर्चे क्या करने, तुमको असेट में ऐड करने हैं, बट एक बार यूज़ के लिए रेडी होगी उसके बाद खर्चे ऐड करते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड में लिख देता हूँ, एनी एक्सपेंस इनकर्ड बिफोर यूज, ये भी आपको इसमें ऐड करना है। अब जो आएगा उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ असेट, उसे बोलते हैं कॉस्ट। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, सिंपल दिमाग में ज़्यादा जो मत डालो, याद नहीं करना है। एक असेट लेके आने से पहले, मतलब जिसको यूज़ करने से पहले जितने भी खर्चे होंगे वो सब इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड, ठीक है। जो भी खर्चे होंगे सब ऐड करने हैं, कॉपी कर लो ये। चलिए ये हो गया कॉस्ट ऑफ द असेट, बराबर है। इसके अलावा एक तुमको वर्ड मिलेगा स्क्रैप वैल्यू। क्या होता है स्क्रैप वैल्यू? मतलब एट द एंड ऑफ द लाइफ जो तुम्हारी असेट है उसका कुछ वैल्यू, कुछ तो मिलेगा, रद्दी वाला देगा नहीं, देगा तो अलग बात है, जीरो हो गया, पर कुछ तो मिलेगा। तो वो जो वैल्यू मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, बची हुई वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आती है उसकी लाइफ, एक बार आएगा लाइफ। अब ये लाइफ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिक लाइफ और एक होता है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ तो बड़ी सिंपल है, उसकी जो जितने टाइम आप यूज कर सकते हो, एक होते हैं इकोनॉमिक लाइफ और होते हैं यूजफुल लाइफ, ठीक है। देखो एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो कोई असेट है तुम्हारे पास में, तो जैसे मोबाइल है, क्या ये आपका मोबाइल 2-3 साल ही चलेगा कि 5 साल 7 साल 10 साल भी चल सकता है? मेरे पास 6600 अभी भी पड़ा है जो 10 साल पुराना है, समझ में आया? मेरे घर वाले जो है ना वो कीपैड फोन को लास्ट 5 साल से यूज कर रहे हैं। तो अब बताओ, तुम तो बोलते हो मोबाइल की लाइफ 2-3 साल होती है, वो 5 साल से यूज कर रहे हैं, बट क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जितनी लाइफ होती है उतना हम यूज करते हैं, कई बार वो फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है भाई, इतना क्या करने का, एकदम निचोड़ना थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जो यूज करोगे ना वो उसकी होगी यूजफुल लाइफ। क्या होगी वो उसकी? ठीक है, चलिए। अब डेप्रिसिएशन निकालने के बेटा अलग वे होते हैं, अलग अलग मेथड होगी, तो यहाँ पे कुछ मेथड दे रखी है डेप्रिसिएशन निकालने की। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है SLM, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। दूसरी जो है ना उसका नाम है WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरी जो है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। इन तीन के अलावा भी कुछ मेथड आएगी, ये तीन तो मेन होगी। जैसे एक आएगी सम ऑफ डिजिट मेथड, क्या आएगी? हाँ। उसके बाद एक और मेथड आएगी
मशीन आर मेथड, ठीक है, एक और आएगी प्रोडक्शन मेथड। इतनी सारी तुम्हारी मेथड आने वाली है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, ठीक है। तो एक बार इसे चार्ट बना लेते हैं, कौन कौन सी मेथड अपन पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सबसे पहले जो सबसे अच्छी होगी वो होगी SLM, फिर आएगी WDV, फिर प्रोडक्शन मेथड, फिर इसी का भाई है मशीन आर मेथड, ठीक है, फिर आएगा डेप्रिसिएशन मेथड, और लास्ट में एक आएगी सम ऑफ डिजिट मेथड। तो मोटा मोटी अपन छह तरह की मेथड पढ़ने वाले हैं। कितनी मेथड पढ़ेंगे? छह। कॉपी करो ये। चलिए तो अभी सबसे पहले अपने को पढ़नी है फर्स्ट मेथड, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, या इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है, निकने में अलग टाइप के। तो पहली जो मेथड है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इक्वल अमाउंट इज राइट ऑफ एवरी ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन असेट, सो एज टू द रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ द असेट टू निल और इट्स रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, ठीक है। इसे प्यार से बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, चलिए पहली जो मेथड है वो अपन करने जा रहे हैं, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। प्यार से क्या बोलते हैं इसको, SLM, ठीक है। इसके लिए बड़ा सिंपल बोलता है कि कोई भी असेट आपने जब ली होगी तो उसे कॉस्ट लगा होगा, तो तुमको उतना नुकसान हो गया। जैसे मान लो ये AC हमने लिया 50,000 में, ठीक है, तो 50,000 का नुकसान हो गया। पर अगर मान लो उसके एट द एंड में लाइफ में 5,000 रुपये मिल गया, तो वो तो मिल जाएगा ना। तो जो मैं रहूंगा ये 50 के लिए रहूंगा या 45 के लिए रहूंगा, तो 50 में से जो पैसा मिल जाएगा वो माइनस कर लो कॉस्ट में से। अब क्या मैं इसके लिए एक साल के लिए रहूंगा कि अगर मान लो मैं 5 साल इसको यूज करने वाला हूँ तो इसका बेनिफिट मुझे एक साल मिलेगी 5 साल मिलेगा। अरे मैं इसी को 5 साल चलाएगा तो इसका बेनिफिट मुझे एक साल मिलेगी 5 साल मिलेगा। तो ये जो दर्द है रोने का, ये एक साल में आना चाहिए 5 साल में आना चाहिए, तो डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ कर लो। बस इसी वे से सिंपल है। तो 50,000 माइनस 5,000, 45,000 डिवाइड बाई 5, तो हर साल 9,000 का रोना है। कितना रोना है? 9,000। तो आप 50 में से 9 करके 5 साल में 45 माइनस कर लूंगे, कितना वैल्यू बचेगा? 5,000। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कॉस्ट तो पता होगी बट स्क्रैप वैल्यू पता नहीं होती, तो हम इसको एस्टिमेटेड लेते हैं। क्या लेते हैं इसको? मतलब जो अंदाजा होता है वो वाला, और लाइफ भी फिक्स नहीं होती कि इतनी यूज करेंगे, तो ये भी एस्टिमेटेड होती है। तो हम ऐसे लिखेंगे कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं अपन। तो अपन लिखेंगे जो कॉस्ट ऑफ द असेट जो भी हुई है, ठीक है, उसमें से आपको माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ये होता है फॉर्मूला। तो आपको अगर लिखना है तो आप इसे ऐसे लिखिए एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब इसमें क्या होगा, हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, जैसे 9,000 9,000 9,000 9,000 ऐसा, समझ में आया? हाँ, तो इसमें एट द एंड में तुम्हारा वैल्यू है तो जीरो हो जाएगा। अगर उसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं तो कितना हो जाएगा? जीरो। अगर इसका स्क्रैप वैल्यू है तो वो लास्ट में कहाँ तक आ जाएगा? स्क्रैप वैल्यू तक आ जाएगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50,000 की असेट लिया, इसी लिया, और मान लेते उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं, जीरो है,
तो डिवाइड बाय मैं करूंगा बेटा 5 साल, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 10,000, तो हर साल 10, तो पहले साल 50 में से 10 गया 40, दूसरे 40 में से 10 गया 30, 30 में से 10 गया 20, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 10 गया 0, तो लास्ट में 0 वैल्यू हो गया। अगर मान लो इसका स्क्रैप वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका स्क्रैप वैल्यू मानते हैं 5,000 रुपये, तो डिवाइड बाई 5 साल की लाइफ है, तो बताओ हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा 9,000 का, तो पहले साल में 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, तो 45,000 चला गया, तो कितना वैल्यू बच गया 5,000। तो एट दिन में वही जितना स्क्रैप वैल्यू होगा उतना वैल्यू बच जाएगा, स्क्रैप वैल्यू 0 है तो 0 बचेगा, और अगर स्क्रैप वैल्यू दे रखा है तो वो उतना बच जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए फिर चलिए मैं एग्जांपल भी करा रहा हूँ। ठीक है, आपने एक मशीन को परचेज किया 14 लाख में मान लो, और उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 1 लाख है, चलो ठीक है, कॉपी करो, ये कॉपी कीजिए पहले। अब इसमें कैसे करना है इसको वो देख लो। अब मैंने क्या बोला, जब भी आपको वर्ड यूज़ करना, कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है ये इंस्टॉलेशन वाला खर्चा भी ऐड हो जाएगा। सो आपकी जो कॉस्ट है दैट इज 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो 5 लाख है, और लाइफ जो है वो 5 ईयर है। तो आप बड़ा फंडा बड़ा सिंपल है, 15 लाख में से 5 लाख माइनस कर लो, डिवाइड बाय 5 कर लो, 2 लाख रुपीस पर एनम, दिस इज योर डेप्रिसिएशन। बोले समझ में आया? कॉपी करो। डन। चले, ये है SLM मेथड। कौन सी मेथड है? पर मजा कब आएगा जब समझिए, जब मैं इसको बीच में परचेस करेगा, अभी अब मैंने इसको परचेस किया 1 जून को। कब परचेस किया है? 1 जून। तो अभी कैसे करेंगे? तो देखो इसमें डेप्रिसिएशन साल का फिक्स होता है, तो वे तो ऐसे ही निकलेगा, सेम वे से निकलेगा, बट क्योंकि अपने को फर्स्ट ईयर में कितने साल अपने यूज, कितने टाइम यूज किया है, 6 महीना। तो देखो ये 2 लाख रुपीज जो आया बेटा, ये पर एनम आया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का फॉर देखा जाए तो ये 22 में परचेज किया है, तो 22-23 साल हो गया, ठीक है। यानी 31 मार्च 2023 को जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, तो मैं ऐसा करूँगा ये 2 लाख जो है वो पूरे 12 महीने का है, बट मैंने जितने महीने यूज़ किया उतने का आएगा। तो मैंने कितने महीने यूज़ किया? 1 जून को लिया है, ठीक है। तो कितना महीना हो गया देखो, जून पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 10 महीना होता है नालायको, ठीक है। तो 10 महीना आपने यूज़ किया, तो इनटू 10 के लिए कितना होगा, करो 1,56,666, ये वाला। बोलो समझ में आया? तो इस साल अपन इतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर पूरा 23-24, यानी जब 31 मार्च 2024 होगा, तो क्या मुझे पूरा 12 का 12 होगा ना, तो पूरा 2 लाख रुपए ही होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में भी 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, फिर लास्ट 2 महीने में वो बचा हुआ 2 महीने का, तो हिसाब पूरा हो जाएगा,
क्या ये तुमको समझ में आया? मतलब सिंपल है, जितना महीना यूज किया उतने महीने का डेप्रिसिएशन। चलो कॉपी करो फिर, एग्जाम्पल नंबर टू कॉपी करो। अरे बोलो समझ में आया ये वाला? ठीक है। अच्छा इसको मैं कैसे शो करेगा बैलेंस शीट में वो भी देख लो। जब मेरी बैलेंस शीट बनती है तो मेरा यहाँ पे फिक्स असेट आएगा, राइट? तो मैंने कितने में परचेज किया था? 15 लाख में। तो 15 लाख पे ये एंट्री आती है, फिर इसमें से मैं हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करेगा। ठीक है, तो हर साल जैसे पहले साल में इतना आया 16667 जो आया है वो माइनस करेगा, फिर जो वैल्यू बचेगा उसमें से नेक्स्ट ईयर में 2 लाख माइनस करेगा, फिर वापस जो बैलेंस आएगा वैसे करता जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? पर डेप्रिसिएशन जो है क्या इस बैलेंस वैल्यू पे लग रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू पे लग रहा है? ओरिजिनल डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? इसमें ओरिजिनल वैल्यू पे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। अच्छा अगर मान लो इसको रेट तुमको निकालना हो, सर क्या रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है? तो देखो रेट ऐसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन रेट इन SLM मेथड। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इन 200। ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है, जो भी डेप्रिसिएशन लगा है इतने वैल्यू पे लगा है तो क्या रेट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये हमेशा पर एनम रेट चाहिए ना अपने को, तो डेप्रिसिएशन भी पर एनम लो 2 लाख रुपया। कितने असर पे लगा था? 15 लाख की वैल्यू पे, तो इन 200, तो बताओ कितना परसेंट होता है? 13.33%। ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन का रेट हो गया। बोली समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एक काम कीजिए, एक एग्जांपल नंबर थ्री लिखिए। पहले एक फॉर्मूला कॉपी कर लो। चलो ये फॉर्मूला कॉपी करो। डेप्रिसिएशन रेट चलो हो गया आपका। तो अभी एग्जांपल लिखिए। कॉस्ट 20 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है, लाइफ इसकी है मान लेते हैं 6 ईयर, तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय SLM, स्क्रैप वैल्यू शॉर्ट में लिखते हैं स्क्रैप वैल्यू बेटा। बस जैसा तुम लिखते हो ना व्हाट्सएप पे OMG और वैसा हम भी लिखते हैं SV शॉर्ट में, हाँ GM ऐसा। हाँ चलो
नमूने हो तुम लोग। अरे अरे शांत, अरे जो आया तुम अपने पास में रखो। कितना था? 3 लाख। हाँ रेट कितना आएगा देख लो। करो कितना आता है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख × 100 कितना आता है? 15%। चलो अब चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे वो देख लो कि कॉस्ट है 20 लाख की, अगर आप 15% चार्ज करोगे तो सागर कितना डेप्रिसिएशन होता है? 3 लाख आ गया। बोलिए किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। कॉपी कर लो, कर लीजिए फटाफट। जम्मू रहे हो तुम लोग, चलो फटाफट करो, कॉपी करो और तो क्या करोगे। चलिए तो ये पहला मेथड हो गया तुम्हारा SLM। कौन सा हो गया? अभी दूसरा मेथड पढ़ते हैं, WDV। फिर बोलूं क्या लिख दिया? ठीक है, इसे प्यार से बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या हो गया वो समझिए कि इसमें रेट दे रखी होगी आपको। फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान लिया 1 लाख रुपए में और इस पर जो डेप्रिसिएशन की रेट होगी वो बोलता है 15% पर एनम ऐसा। ठीक है, तो अब इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा बताओ? तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू 1 लाख के ऊपर 15% ले लो, 15,000 आ गया। तो जो बैलेंस वैल्यू बच गया वो कितना बचा बताओ? बैलेंस वैल्यू तो 1 लाख में से 15 तो चला गया ना, 85,000। तो जो नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन वो 85,000 पे 15% आएगा। ठीक है, 12,750 ऐसा। फिर जो वैल्यू बचेगा उसके ऊपर 15% आएगा। तो इसमें हर साल तुम नोटिस कर रहे हो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो रेड्यूस होता जाएगा। मैं एक और एग्जांपल से देता हूं, दोनों आप कंपेयर करते हैं SLM और WDV दोनों कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मान लो एक असेट है, मैंने कॉस्ट ली है 1 लाख, रेट है 10% पर एनम, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर बाय SLM एंड WDV दोनों मेथड से निकालना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा रूल है, पहले SLM का देख लेते हैं। कॉस्ट बेटा कितनी है? 1 लाख माइनस होगा डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन जो है ना ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, किस पे लगता है? तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख ही है तो 10,000 ये वैल्यू बच गया 90,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा 10%, बट SLM हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का ही। तो कितने ओरिजिनल कॉस्ट थे? 1 लाख, तो 1 लाख का ही 10% बेटा कितना होता है? 10,000। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000, तो 80,000 आ गया। फिर वापस डेप्रिसिएशन आएगा अगेन, 1 लाख जो 1 लाख था उसके ऊपर 10% आएगा, 10,000, तो वैल्यू 70,000 हो गया। क्या इसमें डेप्रिसिएशन कम ज़्यादा हुआ है कि इक्वल रहा है? इसीलिए इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं कि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, साल का हमेशा फिक्स रहेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? अभी इसी सम को दूसरे मेथड से करना है जिसका नाम है WDV। आपने 1 लाख में लिया, रेट वही 10% है बेटा, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। सो जो अभी वैल्यू बच गया वो बच गया 90,000, बट क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट वाली मेथड नहीं है तो इसके जो बैलेंस बचा है उस पर लगेगा। तो बैलेंस कितना बचा है? 90,000।
तो 90,000 पे 10%, 9,000, तो अभी बच गया 81,000। अब जो लगेगा वो 81 पे लगेगा, जो बैलेंस बचा है 8,100, तो 79,972,900 ऐसा बराबर ना। तो मैं यहां पे करता हूं, देखो नोटिस कीजिए, देखिए ये जो 10 लगा है ना, ये 10% इसके लगा है, इवन ये भी इस पे लगा है ओरिजिनल कॉस्ट पे, और इस पे भी इस पे लगा है, बट इसमें जो 10% आपने लिया है ना वो इस पे आया है, बट अभी इस पे आया है और अभी इस पे आया है, मतलब जो वैल्यू बचेगा उस पे लेंगे। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं, उसको रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV बोलते हैं। बताइए किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड मेथड WDV, तो इसका आप सिंपल सा लिखिए, मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है, सब नहीं लिखना है फालतू का। ठीक है, तो इसमें हमेशा आपको बैलेंस वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कॉपी कर लो फटाफट, बोलिए समझ में आया तुमको। तो SLA में क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, WDV में सी रेड्यूस हो रहा है 10 से 9, 9 से 8, 100, ऐसे आगे कंटिन्यू करोगे तो और कम होता जाएगा, तो हर साल बैलेंस रेड्यूस होता है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। ये होगी तुम्हारी दो मेथड, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया, ठीक है, चलिए उसके बाद एंट्री वेंट्री बाद में समझेंगे अपन, पहले इस डेप्रिसिएशन का मेथड देख लेते हैं। अभी अपने को थर्ड मेथड समझना है, जिसका नाम है मशीन आर। क्या समझना है? ये बड़ा सिंपल है, ये क्या बोलता है कि जब मशीन होती है ना तो उसमें कुछ लिमिटेड आर तक वो काम कर पाएगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आप क्या करो, जितने आर्स आप यूज करने वाले हो ना उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। फॉर एग्जांपल आपकी मशीन 1,00,000 आर्स यूज करने वाले हो तो उसमें कितना काम हो सकता है, 1,00,000 आर्स का, ठीक है, टोटल वो 1,00,000 आर्स चलेगी, बस इस हिसाब से चलेगी। जैसे मान लो ये टैब है तो ये बोलता है मैं टोटल लगे 1,000 आर्स चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, फिर मैं बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो 1,000 आर टोटल चलने वाला है। अब मान लो फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ 200 घंटे चलाने वाले हैं, पर सेकंड ईयर में 600 घंटे चलाने वाले हैं, और थर्ड ईयर में वापस 100 घंटे चलाने वाले हैं। तो ये जो जितने चलाने वाले हैं ना उसके रेशियो में बांट लो डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अपना एक फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बना लेंगे ताकि ईजी हो जाएगा अपना। पहले कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करना है, क्योंकि जो स्क्रैप वैल्यू का पैसा मिलेगा उसको बांटने का काम ही नहीं है। तो कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर लो, इनटू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल आर्स, जितना टोटल आर्स तुम यूज करने वाले हो, इनटू जितने आर्स तुमने यूज किए, जितने आर्स तुम यूज करोगे उतना कर लो। किसी भी चीज को रेशियो में कैसे बांटते हो, ऐसे ही बांटते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपको 1:2:3 में किसी चीज़ को बांटना है, मान लो 500 रुपये को 600 रुपये को बांटना है फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे बांटते हो, 600 रुपया इंटू 3, 2, 1, 6 हो गया इंटू 1, बस तो ऐसे ही होता है ना। तो अब इसका फॉर्मूला बन गया, 600 रुपये को बांटना है इंटू टोटल 6 है और 1 अभी आ गया, बस इसी चीज़ को अपन ने फॉर्मूला बना लिया।
क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, कॉपी करो ये। चलो अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो जीरो मानना, ठीक है। हो गया। चलिए देखिए, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपका। अ मशीन वॉज परचेज फॉर 30 लैक्स, 30 लाख मशीन का आपने दिया है। एस्टिमेट उसकी वर्कलिंग जो आर्स है वो 24,000 घंटे चल सकती है। उसके लास्ट में तुमको स्क्रैप वैल्यू 2 लाख रुपए मिल जाएगा। तो जो नुकसान होगा क्या 30 लाख का होगा कि 30 लाख में से 2 मिल जाएगा? 30 में से 2 तो मिल जाएगा, तो जो नुकसान होगा कितना होगा? 28 लाख का। तो 28 लाख को बांटना है। अच्छा, आप कैसे यूज करने वाले वो देख रखा है कि पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 साल 3,000 आर्स पर एनम, फिर 4, 5 एंड 6 2,600 आर पर एनम, और 7, 8, 9, 10 4 साल में आपने 1,800 पर एनम, ये आपको दे रखा है। करें शुरू। तो देखिए, तो मैं भी जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे ही करूंगा, मैं क्यों अलग से मेहनत करूं। तो मैं ये ऐसे करने वाला है, फर्स्ट देखो ईयर लिखूंगा यहाँ पे, पहला फर्स्ट टू 3, दूसरा 4 टू 6, और तीसरा स्लॉट कौन सा है? 7 टू 10। ठीक है, अब अपना डेप्रिसिएशन अपने फॉर्मूले से आ जाएगा। कॉस्ट जो था बेटा कितना था कॉस्ट? 30 लाख माइनस 2 लाख तो मिल जाएगा, तो 28 की बात करनी है अपने को, डिवाइड बाय टोटल 24,000 घंटे 24,000 आवर्स। और पहले 1, 2, 3 में कितना चलाएंगे अपन? क्वेश्चन में दे रखा ना 3,000। हाँ, तो अपन का आंसर भी पर एनम आएगा ना, 3,50,000 पर एनम। तो जैसा उसने बोला वैसे हम भी आंसर दिए, हर साल 3,50,000 3 साल तक, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जैसे उसने बोला हमने भी वैसे कर लिया। अदरवाइज तुमको अलग करना है तो अलग कर दो, फर्स्ट में 3,50,000, सेकंड में 3,50,000, थर्ड में 3,50,000 तो भी चलेगा। ठीक है, 4, 5, 6 की बात करते हैं सेम वे से। 30 लैक्स माइनस 2 लैक इंटू 24,000
और यहाँ पे सेकंड ईयर में कितना तुमने है 2600 ना? हाँ 2600। तो 3 लाख जीरो चलिए ये भी पर है ना मैं हर साल का मतलब 4, 5, 6 ऐसे। अभी लास्ट में कितना था तुम्हारा 1800 करिए कितना आता है 2,10,000 ऐसा। बोलिए किसी को भी डाउट है इसमें तो आप बोल सकते हो। अगेन दिस इज द पर एनम हां कुछ डाउट है तो आप बोलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए फॉर्मूला कॉपी किया था ना आपने हाँ तो ये कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अगर तुमको देखना है ना इसका तो ऐसे इस तरह से हुआ है टोटल जो है ना इसको देखिए 30 लाख की कॉस्ट थी बराबर ना उसमें से 2 लाख तो मिल गया तो 28 लाख का खर्चा हो गया अपना। अब ये 10 साल में हुआ है तो 1 साल 2 साल 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अच्छा कितना प्रोडक्शन हुआ वो भी देख लो। तो पहले 3 साल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में कितना हुआ था 3000 का तो 3000 3000 और 3000 तो ये रेशियो। इसके अलावा बाद में का कितना हुआ था 2600 का 2600 2600 2600 फिर 1800 1800 1800 और 1800 तो अब मतलब इस अमाउंट को इस में बांटना था तो ऐसे ही तो बांटते ना। अब क्योंकि तीनों साल का सेम है 3 बार क्यों लिखने का तो हमने डायरेक्ट कर लिया। इन तीनों साल का सेम है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया और इन 4 का साथ में था इसके लिए डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बस तो ये चीज यहां पे हुई है। ये थोड़ा ऐसा वे है और ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे है। लिखा हमने ना पर एनम कि फर्स्ट ईयर में 3,50,000 सेकंड में भी 3,50,000 थर्ड में भी 3,50,000 फिर फोर्थ ईयर में 3,33,333 फिफ्थ में भी इतना सिक्स में भी इतना 7, 8, 9, 10 में 2,10,000 हर साल। बोलिए किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझा सबको? ये तुम्हारी होगी कौन सी मेथड होगी प्रोडक्शन मेथड ठीक है मशीन आर सॉरी अभी करनी है प्रोडक्शन मेथड। कौन सा करना है सेम है अगर आर को रिप्लेस कर दूं विद द प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन मेथड। इसमें आप लिमिटेड यूनिट बना सकते हो कि मैं इससे इतनी यूनिट ही बना सकूंगा और आप फर्स्ट में कितनी यूनिट बनाओगे तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। तो इसका भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होगा ठीक है। आप ऐसे लिखिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ठीक है डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो आप ये फॉर्मूला बनाइए ऐसा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। लिखो लिखो अरे कहाँ पे लिखोगे नोटबुक में लिखो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 5। अ मशीन इज परचेज फॉर 20 लैक्स लाइफ उसकी 10 साल है बेटा
ट्रेस वैल्यू 2 लाख है, तो 20 में से 200 मिल गया, 18 लाख को बांटना है, टोटल आप 1.5 लाख यूनिट बनाओगे, ठीक है। उसमें से आप फर्स्ट 3 ईयर में 20,000, फिर 15,000 और फिर 10,000, तो सेम हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? वहाँ पे सिर्फ मशीन आर था, यहाँ पे यूनिट हो गया। तो देखिए 20 लाख माइनस 2 लाख कर लीजिए, 20,000 आप बना रहे हो आउट ऑफ 1.5 लाख, तो 2,40,000 पर एनम आएगा। फिर सेम वैसे ये भी आ गया पर एनम, और सेम वैसे ये भी आ गया पर एनम, सेम सम हो गया, सेम सिर्फ वहाँ पे आर्ट्स से यहाँ पे क्या है यूनिट प्रोडक्शन है। बोलो समझ में आया है तुमको? चलो तो आप ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अपन करके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।